नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, हेराल्ड हाउस सहित 13 जगहों पर छापेमारी। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद एक्शन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक शुरू, कांग्रेस के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल। ईडी की छापेमारी पर राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट, कहा मैं और कांग्रेस आगे भी लड़ेंगे, तानाशाह के फरमान से दबाने की कोशिश, न हम डरेंगे और न डराने देंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी का दावा, बरामद करोड़ों रुपए उनके नहीं, गैर मौजूदगी में उनके घर में रखा गया पैसा। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ महिलाओं ने रोते हुए किया विरोध प्रदर्शन, पार्थ और अर्पिता को अस्पताल से बाहर निकालते वक्त महिलाओं का प्रदर्शन। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर टला बड़ा हादसा, इंडिगो के प्लेन के नीचे आई कार, पार्किंग एरिया में खड़ा था प्लेन, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक, संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं हुए बैठक में शामिल। संसदीय दल की बैठक में जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को दिया निर्देश, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगे को लेकर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन, 10 से 12 तक युवा मोर्चा निकालेंगे तिरंगा बाइक यात्रा, 13 से 15 तक हर नागरिक को घर पर लहराना होगा तिरंगा। बीजेपी का संस्कृति मंत्रालय कल सुबह 8:30 बजे लाल किले से विजय चौक तक निकालेगा तिरंगा बाइक यात्रा, पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगाई तिरंगे की तस्वीर, सभी बीजेपी सांसद भी प्रोफाइल तस्वीर पर लगाएंगे तिरंगा। विपक्षी दलों ने सरकार से मॉनसून सत्र को एक हफ्ता और बढ़ाने की मांग की है, बीएसई की बैठक में विपक्षी नेताओं ने रखी मांग। ईडी के एक्शन पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत में भ्रष्टाचार की जगह नहीं, संजय राउत के करीबी घोटाले में शामिल राउत के परिवार को 83 लाख रुपए दिए गए। क्योंकि वो बड़े राजनेता हैं, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि किसी विशेष परिवार से वो हैं या परिवार से जुड़ाव उनका है, तो क्या उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हर जगह पार्थ बैठे हैं, महाराष्ट्र में उद्धव के पार्थ संजय राउत, केजरीवाल के पार्थ सत्येंद्र जैन हैं। हर जगह पार्थ बैठे हैं, बंगाल में दीदी का पार्थ, यहां उद्धव का पार्थ, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल का पार्थ। दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी नेता की हत्या मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई, प्रवीण निटारू हत्याकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिया नोटिस, अग्निपथ स्कीम पर चर्चा की मांग। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई, ईडी ने 2 जगहों पर छापेमारी की, फिलहाल ईडी की हिरासत में है संजय राउत। वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कर्नाटक हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा, स्कूल कॉलेज में हिजाब को अनुमति न देने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग, चीफ जस्टिस ने कहा हमें बेंच का गठन करना होगा, आप इंतजार कीजिए। लोकसभा में एमएचए का लिखित बयान, कहा साल 2017 से 29 जुलाई तक सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के मामले में एनआईए ने 17 केस दर्ज किए। लोकसभा में एमएचए ने बयान जारी किया, साल 2019 से 2021 तक 117 चीनी नागरिकों का प्रत्यर्पण किया गया। गृहमंत्री अमित शाह से टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात, बैठक के बाद बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा भ्रष्टाचार को लेकर गृहमंत्री को दी जानकारी, शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी के 100 से ज्यादा नेता शामिल। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, शोभा ने पीएफआई पर एक्शन की मांग की, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का समाजवादी पार्टी पर तंज, कहा रामगोपाल यादव जी जिसकी पैरवी के लिए सीएम के पास आए थे वो सभी अपराधी हैं, हम साजिश नहीं कार्रवाई करते हैं। एक अपराधी पर 1 पर 80 मुकदमे और उसके बाद समाजवादी पार्टी ट्वीट करके कहती है कि साजिश बीजेपी करती है। साजिश बीजेपी नहीं करती है, केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। बीएचयू के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र धरने पर बैठे, एक छात्र ने किया था सुसाइड, प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग।
बीएचयू में कक्षा 9 के छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। क्लास में मोबाइल ले जाने के कारण वाइस प्रिंसिपल ने 7 दिन के लिए किया था सस्पेंड। असम के लखीमपुर में बाढ़ से तबाही की तस्वीर। बाढ़ की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर लोग। केरल के त्रिशूर में बाढ़ का कहर। लगातार बारिश की वजह से उफान पर नदियां, नदी के तेज बहाव में हाथी फंसा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड बना मुसीबत। हाईवे पर गिरा मलबा। सिलीगुड़ी को गैंगटॉक से जोड़ने वाला हाईवे ब्लॉक। हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को भी दिए निर्देश। 11 से 17 अगस्त तक मदरसों में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। ग्रेजुएशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड। 4 से 6 अगस्त को होगी दूसरे चरण की परीक्षा। कानपुर में चोरी के आरोप में भीड़ ने युवक को जमकर पीटा। मौके पर पहुंचे सिपाही ने भी युवक की बेरहमी से की पिटाई। आइए अब अल जवाहिरी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आतंकी संगठन अलकायदा का चीफ हुआ ढेर। अमेरिका ने ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को मार गिराया। काबुल में ड्रोन हमले में अमेरिका ने किया काम तमाम। बालकनी में जाने की आदत जवाहिरी पर पड़ी भारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया अल जवाहिरी के खात्मे का ऐलान। कहा जवाहिरी को ढूंढकर मार गिराया। जो भी अमेरिका के लोगों के लिए खतरा बनेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। You know, Zawahiri was Bin Laden's leader. He was with him all the whole time. He was his number two man, his deputy at the time the terrorists attacked 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. 31 जुलाई को अमेरिका की CIA ने ऑपरेशन को दिया था अंजाम। शेरपुर इलाके में जवाहिरी को किया ढेर। 1 जुलाई को जवाहिरी के खात्मे के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने की मीटिंग। मीटिंग में बाइडेन को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी। 25 जुलाई को बाइडेन के साथ ऑपरेशन जवाहिरी पर दोबारा हुई मीटिंग। कैबिनेट के बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहे। मीटिंग में बाइडेन ने जवाहिरी पर एयर स्ट्राइक के निर्देश दिए। अप्रैल महीने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बाइडेन के 2 शीर्ष अधिकारियों को जवाहिरी के ठिकाने की जानकारी दी थी। जवाहिरी के अंत से बौखलाया तालिबान। काबुल में अमेरिकी ड्रोन अटैक की निंदा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोहा समझौते का बताया उल्लंघन। जवाहिरी के खात्मे पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान। तालिबान ने दोहा समझौता तोड़ा। तालिबान ने जवाहिरी को पनाह दी। 71 साल का जवाहिरी ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद बना था आतंकी संगठन अलकायदा का लीडर। अमेरिका के इस ऑपरेशन का सऊदी अरब ने किया समर्थन। कहा अमेरिका का आतंकी मुहिम पर करारा प्रहार। जो बाइडेन ने जवाहिरी को मार गिराने के ऑपरेशन को दी थी मंजूरी। अपने संबोधन में बाइडेन ने बताया जवाहिरी के परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ड्रोन हमले में जवाहिरी को किया ढेर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बड़ा बयान। कहा अफगानिस्तान में युद्ध के बिना आतंकवाद को जड़ से खत्म करना संभव है। जवाहिरी की मौत के बाद सैफ अल अदेल अलकायदा का नया चीफ हो सकता है। सैफ अल अदेल इजिप्ट की सेना में रह चुका है कर्नल। सैफ अल जवाहिरी का सेकेंड इन कमांड भी है। अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी की मौत पर था 25 मिलियन यानी 2 अरब का इनाम। अमेरिका ने रखा था इनाम। खुफिया सूत्रों के मुताबिक तालिबान के वरिष्ठ नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के खास आदमी के घर में रहता था अल जवाहिरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा दावा। जवाहिरी 9/11 के हमले में था शामिल। अमेरिकी के लोगों पर हुए हमले का मास्टरमाइंड भी था जवाहिरी। अमेरिका के इस ऑपरेशन के बाद शेरपुर इलाके में तालिबान ने सुरक्षा बढ़ा ली है। अमेरिका का दावा। साल के शुरू में जवाहिरी की पत्नी बेटी काबुल के एक घर में हुए थे शिफ्ट, जिसके बाद अमेरिकी एजेंसियों ने लगातार उन पर नजर रखी थी। 12 अक्टूबर 2000 को जवाहिरी ने यमन में अमेरिकी जहाज पर हमला किया था। इस हमले में 17 अमेरिकी नौसैनिकों की मौत हो गई थी।
1998 में केन्या और तंजानिया में स्थित अमेरिकी दूतावासों को जवाहिरी ने बनाया था निशाना। हमले में 224 लोगों की मौत हुई थी। 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की एंट्री के दौरान लादेन के साथ बच निकला था जवाहिरी। अब आपको दिखाते हैं मनोरंजन से जुड़ी बड़ी खबरें। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के विरोध के बाद एक्टर आमिर खान ने अपना रिएक्शन दिया है। आमिर के पुराने बयानों को लेकर सोशल मीडिया में फिल्म को बायकॉट करने की मांग उठने लगी। वहीं आमिर खान ने कहा कि बायकॉट की बात सुनकर उन्हें बुरा लगा, उन्होंने एक बार फिल्म देखने की गुजारिश की। भारी विरोध के बाद आखिरकार कार्तिक आर्यन और कियारा की फिल्म का नाम बदला गया। पहले फिल्म का नाम सत्यनारायण की कथा था। इस टाइटल का विरोध होने के बाद फिल्म का नाम सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया। नए नाम के साथ कार्तिक ने फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है। एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की तैयारियों में जुट गई हैं। इस फिल्म में वो एक महिला क्रिकेटर की भूमिका में नजर आएंगी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही इस फिल्म में एक्टर राजकुमार राव भी दिखेंगे। फिल्म के लिए जानवी ने क्रिकेट की ट्रेनिंग भी ली है। यूक्रेन में युद्ध से पीड़ित बच्चों से मिलने के लिए प्रियंका चोपड़ा पोलैंड पहुंची हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम में वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यूक्रेन में स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है, ये दुनिया के सबसे बड़े मानव विस्थापन संकटों में से एक है। रणवीर सिंह ने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग पूरी कर ली है। इस फिल्म के रैप अप की पार्टी रखी गई थी। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट भी नजर आने वाली हैं। आलिया ने इस पार्टी को ऑनलाइन ज्वाइन किया। साल 2023 में यह फिल्म रिलीज होगी। अब आपको दिखाते हैं खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। भारतीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने विमेन्स 71 किलो वेट कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज। हरजिंदर ने स्नैच में 93, क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम का वेट उठाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरजिंदर कौर ने देश के नाम किया 9वां मेडल। राष्ट्रपति ने हरजिंदर कौर को दी शानदार जीत की बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जूडो प्लेयर सुशीला देवी ने जीता सिल्वर मेडल। 48 किलो वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया रजत पदक। फाइनल मुकाबले में मिकेला व्हाइट बॉडी से हार का सामना करना पड़ा। जूडो में ही भारत के विजय यादव ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। विजय ने पुरुषों की 60 किलो भार वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। उन्होंने साइप्रस के पेट्रोस क्रिस्टोडोलिडस को हराया। पुरुष हॉकी में भारत इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच 4-4 से ड्रॉ हुआ। शुरुआत में 3-1 की बढ़त हासिल करने के बाद भी भारत के हाथ से फिसला यह मैच। भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल का शानदार प्रदर्शन। 51 किलो वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जीत के बाद पंघाल के घर पर खुशी का माहौल। बॉक्सिंग में ही भारत को मिली एक और जीत। 57 किलो वेट कैटेगरी में मोहम्मद हसमुद्दीन ने बांग्लादेश के मोहम्मद सलीम को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। लॉन बॉल्स में भारतीय विमेन्स फोर्स टीम ने इतिहास रचा। टीम ने फाइनल में पहुंचकर कम से कम सिल्वर मेडल पक्का किया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा मुकाबला। दूसरे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराया। 5 T20 मैचों की सीरीज 1-1 से की बराबरी। डेवॉन थॉमस ने खेली 31 रन की धमाकेदार पारी। क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने को तैयार बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेले जाने वाली लेजेंड्स क्रिकेट लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। न्यूजीलैंड ने एकमात्र वनडे मैच में स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराया। मार्क चैपमैन ने खेली नाबाद शतकीय पारी।